हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग आए हैं कुशीनगर नौका विहार घूमने। आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ पे कैसे है पार्क में घूमने के लिए। ये देखिए हम लोग के पीछे ये सब पार्क में है। उस साइड भी अभी है, उस साइड भी जाके दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है यहाँ का व्यू। आप लोग चलिए, यहाँ पे हम लोग पीछे देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे स्कूल से टूर आया हुआ है तो सभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं सभी, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे टूर का मजा ले रहे हैं। सभी छोटे बच्चे देखिए खेल रहे हैं पार्क में। ये देखिए हमारा प्यारा झंडा भी यहाँ पे लगा हुआ है कुशीनगर में। आप लोग भी कभी आना चाहें तो यहाँ पे आके घूम सकते हैं। चलिए आप लोगों को इस पार्क दिखाते हैं आगे का। आगे सब पार्क यहाँ पे सभी छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे ये जगह घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप लोग आ सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या फैमिली के साथ। यहाँ पे सब कोई आ सकता है, कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि मतलब नहीं आ सकते, सब कोई घूमने आ सकते हैं आराम से। ये देखिए यहाँ पे जो है ये रूफ लगा हुआ है गर्मी के लिए। अगर आप लोग गर्मी में आते तो यहाँ पे बढ़िया रहता है खड़े होने के लिए, इसके नीचे धूप नहीं लगती है। गर्मी या बारिश में ये बहुत बढ़िया काम आता है। आप लोग देख सकते हैं पीछे, ये देखिए हमारे पीछे एक लगा हुआ है वीडियो बनाने के लिए। आप लोग इसमें अपना वीडियो बनवा सकते हैं लगाकर। ये देखिए पूरा, ये देखिए यहाँ पे बीच में पानी, इसमें गर्मी के टाइम में नाव चलती है। अभी नहीं चलेगी, ठंडी है, लेकिन गर्मी के टाइम में यहाँ पे नाव चलती है। आइए आगे का भी आपको दिखाते हैं, पूरा पार्क घूम कर दिखाते हैं आपको। पार्क के अंदर थे तो आपको सोचा दिखा दे, अब चल रहे इस पार्क से बाहर, वहां पे भी आपको दिखा दे चलेंगे कि कैसा है यहाँ का व्यू आगे का। इस साइड चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। जा रहे लोग अभी बाहर की ओर, जहाँ जहाँ पे जाएंगे लोग बाहर, अभी गेट निकल रहा है बाहर की ओर। ये देखिए ये गेट है, यहाँ पे गेट से निकलेंगे अभी एंट्री से। एंट्री से निकलने के बाद बाहर जाएंगे लोग। उस पार्क से निकलते ही ये पुल है, इससे क्रॉस होकर जाएंगे उस साइड, दूसरे साइड जाते हैं लोग अब हम लोग। ये देखिए इसका व्यू कितना बढ़िया है। छठ घाट में ये जब छठ की पूजा होती है तब ये बहुत सुंदर लगता है सजने के बाद। ये देखिए इधर, तो ये छठ घाट है। छठ घाट में यहीं पे पूजा होता है पूरा उसका, यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे। और भी दिखा रहे हैं आगे एक पार्क है, उसको दिखाते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। यही वो जगह है यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चों को आप लोग लाकर खिला सकते हैं। झूला लगा हुआ है, स्लाइडर लगा हुआ है छोटे बच्चों के लिए, सभी प्रकार के खेलने के लिए है यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए। वो भी कुछ भी यहाँ पे आकर आराम से, आप चाहें तो छोटे बच्चों को लाकर यहाँ पर रख सकते हैं, जिसमें कि खेलने के लिए आसानी होगा उन लोगों को। आप इसमें लाकर बच्चों को झूला झुलाइए। ये देखिए झूला लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर एक मंदिर है काली जी का, ये देखिए ये इतना बड़ा पेड़ भी है यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए काम आता है ये। अभी अब इस पार्क से बाहर जा रहे हैं, दूसरे मंदिर में जाएंगे, बगल में ही है, उसमें जाकर दिखाएंगे।
यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, अभी चलिए दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है लव कुशिन और वो भी आपको दिखाएंगे। चुके लिए यहाँ पे टॉय कार है जिसपे छोटे बच्चे बैठ के घूम सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं बढ़िया कितना है ये, छोटे बच्चे हमेशा यहाँ पे आके खेलते हैं। अभी चल रहे हैं दूसरे पार्क में, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे भी, यहाँ पे बगल में ये एक बैठने की जगह है जिसपे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं, आप लोग वहाँ पे आकर आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो कुछ टाइम। ये उसका एंट्रेंस, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं इसके। ये देखिए सभी यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है, सीमेंट से बनी हुई कुर्सियाँ हैं जो यहाँ पे लगी हुई है नगर पालिका द्वारा, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं कुछ टाइम आके यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। अभी ये देखिए बगल में एक और पार्क है, इसमें अभी चल के दिखाएंगे आपको, अंदर जाके अभी दिखाते हैं आपको बगल वाले पार्क में अभी जो आपको मैं दिखाया। ये देखिए पीछे मेरे, ये देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे भी घूमने के लिए बढ़िया जगह है, बैठने के लिए भी यहाँ पे है, आप लोग आराम से आकर यहाँ पे बैठ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सफाई यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होती है हमेशा, ये साफ सुथरा पार्क हमेशा साफ रहता है। इस पार्क में बहुत सारे देश के लोग भी आते हैं जैसे कि नेपाल, जापान और भी बहुत सारे जगहों के, ये हम लोग के पीछे वही लोग हैं, पीछे ये लोग सब लोग वहीं के हैं जो यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, सभी लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं हमेशा, मतलब घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग। ये भगवान बुद्ध का सपूत है यहाँ पे, ये पूरा ये आप लोग देख सकते हैं पूरा, ये भगवान बुद्ध का सपूत है, ये जो कुशीनगर है हमारा वो भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध की, ये देखिए बुद्ध विहार या बुद्ध नगरी भी इसे कहते हैं, इसका एंट्रेंस है, इसके अंदर आपको जाके दिखाते हैं कि कैसा है ये पूरा। ये देखिए इसके अंदर दुकानें लगी हुई हैं बहुत सारी चीजों की, इसके अंदर झूला भी लगा हुआ है, आज इस टाइम बहुत सारे प्रकार के मेले लगे हुए हैं यहाँ पे। ये है मंदिर, एक अंदर चल के भी आप आपको पूरा मंदिर घुमाते हैं, इधर से देखिए सर, बस ये नहीं दीजिए। तू देख लियो, नहीं देखे फोन करी तो का अरे वीडियो नहीं करी बनावा तला लो था तो करिए, तू देख लियो, हमने नहीं देखा देखे। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, ये सब झूले लगे हुए हैं यहाँ पे कुशीनगर में, इस टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है क्योंकि फर्स्ट
1 जनवरी को यहाँ पे बहुत ही भारी भीड़ आती है। 1 तारीख को सब कोई न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ पे सभी लोग आते हैं। ये देखिए झूला लगा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा झूला, ये छोटे बच्चों के लिए है, यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए भी लगा हुआ है यहाँ पे झूला पूरा, ये पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। उधर पीछे इसकी शॉप भी है, कोई सामान वामान खरीदने के लिए भी यहाँ पे पूरा लगा होता है, कोई सामान लेना हो या कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे लगा होता है यहाँ पे, भगवान बुद्ध का मंदिर है। जिसमें उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है जो कि लेटी हुई है। इसमें अगर अंदर कैमरा अलाउ होगा तो आप लोगों को जाकर दिखाएंगे कि कैसा दिखता है अंदर से। अभी चलते हैं पास में इसके एंट्रेंस पे जहाँ से अंदर जा सकते हैं लोग, फिर दिखाते हैं आपको भी कैसा है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही भीड़ लगी रहती है लोगों को आने जाने के लिए। आप लोग ये देखिए पूरा, अब यहाँ से निकल रहे हैं लोग बाहर, पूरा मंदिर घूम लिया, अब इसके बाद बाहर निकल रहे हैं। वहां से आप लोग निकल के बाहर, भाई क्या है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक था, अब फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, और जाके आपको दिखाएंगे उस जगह पे। तो तकलीफ, बाय बाय।